ओके तो इस वीडियो में देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द नोज। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द एक्सटर्नल नोज। एनाटॉमी ऑफ द एक्सटर्नल नोज। अब एक्सटर्नल नोज टोटल दो पार्ट से बना होता है, ठीक है, बोनी और कार्टिलेजिनस। जो अपर वन थर्ड होता है वो होता है बोनी पार्ट, और जो लोअर टू थर्ड होता है वो होता है कार्टिलेजिनस। अब बोनी पार्ट किन किन से बना होता है, तो दो बोन्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहला नेजल बोन, उसके नीचे फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ठीक है, तो बोनी पार्ट अपर वन थर्ड होता है, दो बोन से बना होता है, नेजल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ठीक है, कार्टिलेजिनस में टोटल चार कार्टिलेज होता है, उसमें से टोटल चार कार्टिलेज होते हैं, उसमें तीन पेड होते हैं और एक अनपेड होता है। जो तीन पेड कार्टिलेज होते हैं वो होता है सबसे पहला अपर लेटरल कार्टिलेज, ठीक है, दूसरा लोअर लेटरल कार्टिलेज, लोअर लेटरल को एलर कार्टिलेज भी बोलते हैं, ठीक है, और जो लास्ट पेड कार्टिलेज है वो है लेसर एलर कार्टिलेज। ठीक है, एलर के पीछे होता है इसलिए लेसर एलर, और छोटे छोटे स्मॉल पीसेज ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको लेसर एलर कार्टिलेज। जो लास्ट अनपेड कार्टिलेज होता है वो होता है सेप्टल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये सिंगल पेड कार्टिलेज होता है सेंटर में, ठीक है, बाकी सब जगह ऊपर की साइड अपर लेटरल कार्टिलेज, उसके नीचे लोअर लेटरल कार्टिलेज और पीछे की साइड स्मॉल पीसेस ऑफ कार्टिलेज, इसलिए इसको बोलते हैं सिसामोइड कार्टिलेज। ठीक है, सिसामोइड कार्टिलेज भी बोलते हैं इसको, लेसर एलर कार्टिलेज को, या ऊपर वाला अपर लेटरल कार्टिलेज, नीचे लोअर एलर कार्टिलेज, या लोअर लेटरल कार्टिलेज और उसके पीछे लेसर एलर कार्टिलेज। अब ये जो ये पूरा अपना नोज है, ठीक है, ये जो उसकी पोस्टीरियर और इन्फीरियर मार्जिन होती है वो मोस्टली बनी होती है फाइब्रो फैटी टिश्यू से। ठीक है, ये पूरा बनाता है एक्सटर्नल नोज। ठीक है, ऊपर होता है बोनी पार्ट अपर वन थर्ड, ठीक है, उसमें नेजल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। अब नीचे कार्टिलेजिनस पार्ट लोअर टू थर्ड पार्ट होता है, उसमें चार टोटल चार कार्टिलेज होते हैं, उसमें जो तीन होते हैं वो पेड होते हैं और बाकी जो एक होता है वो अनपेड होता है। जो तीन होते हैं वो होते हैं अपर लेटरल, लोअर लेटरल और लेसर एलर कार्टिलेज। जो अनपेड होता है वो होता है सेप्टल कार्टिलेज। और पीछे का पोस्टीरियर इन्फीरियर मार्जिन फ्री मार्जिन ऑफ द नोज इज फॉर्म्ड बाय द फाइब्रोफैटी टिश्यू। ओके, तो ये है पूरा एक्सटर्नल नोज। ठीक है, उसमें अपर वन थर्ड पार्ट है वो बोनी है, लोअर टू थर्ड पार्ट है वो कार्टिलेजिनस है। अपर वन थर्ड बोनी पार्ट किससे बना होता है, दो बोन से बना होता है। जो ऊपर वाले होते हैं वो नेजल बोन, ठीक है, नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन या नेजल बोन भी कहते हैं, और जो नीचे से आता है वो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ठीक है, ये नेजल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। अब जो लोअर कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, लोअर टू थर्ड पार्ट होता है, वो किससे बनाता है, जो सबसे मेजर कार्टिलेज होता है अपर साइड, और वो होता है अपर लेटरल कार्टिलेज। अब उसके नीचे होता है वो होता है लोअर लेटरल कार्टिलेज। ठीक है, अब लोअर लेटरल कार्टिलेज के पीछे छोटे छोटे पीसेस ऑफ कार्टिलेज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिसमोइड कार्टिलेज या लेसर एलर कार्टिलेज। ये पैड होते हैं, ठीक है, ये लेसर एलर कार्टिलेज हुआ, नीचे से दोनों साइड होते हैं, ठीक है, ये ऊपर लेटरल दूसरी साइड भी होता है, लोअर लेटरल दूसरी साइड भी होता है, लेसर एलर भी दूसरी साइड, दोनों मतलब पैड होते हैं ये तीनों। और जो बीच में है ये जो लाइन दिख रही है कार्टिलेज की, ये है सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये सिंगल होता है। सेप्टल कार्टिलेज क्या करता है, जो डोर्सम ऑफ द नोज है, ये पूरा डोर्सम ऑफ द नोज इसको अपनी पोजीशन में हेल्ड करके रखता है, अगर ये इसको डैमेज हो जाएगा तो डिप्रेशन इन द नोज आ जाएगी। तो ठीक है, ये सिंगल अनपेड कार्टिलेज जो है सेप्टल कार्टिलेज। और ये है इमेज फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, जो ऊपर अपर वन थर्ड बोनी पार्ट फ्रॉम द नेजल बोन, नीचे से फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। ठीक है, और लोअर टू थर्ड कार्टिलेज पार्ट में अपर लेटरल कार्टिलेज, उसके बाद लोअर लेटरल कार्टिलेज, पीछे पीसेस ऑफ कार्टिलेज वो लेसर एलर कार्टिलेज या सिसमोइड कार्टिलेज, बीच में जो सेंट्रल लाइन दिख रही है जो सिंगल अनपेड कार्टिलेज होता है वो सेप्टल कार्टिलेज। ये हो गया पूरा ये इसलिए कहते हैं इसको ऑस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल नोज बनाता है वो पूरा ऑस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क होता है। उसके बाद राइनोप्लास्टी क्या होता है, तो राइनोप्लास्टी होता है सर्जिकल करेक्शन। ठीक है, बेसिकली सर्जरी होती है जो सर्जिकल करेक्शन ऑफ एक्सटर्नल कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क। ठीक है, कोई भी डिफेक्ट होगा ये जो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क में, ठीक है, उसको करेक्शन करने के लिए जो बहुत सारे एक्ट्रेस मॉडल वो सब करवाते हैं उसको बोलते हैं राइनोप्लास्टी। अब जंक्शंस पे आते हैं, जो एक्सटर्नल नोज में होते हैं कौन कौन से जंक्शंस होते हैं मेन। ठीक है, तो तीन होते हैं जंक्शन, उसमें से सबसे पहला होता है वो होता है नेजायोन। ठीक है, दूसरा होता है राइनियोन और लास्ट होता है वो होता है लाइमन नेजाई। ठीक है, नेजायोन, राइनियोन और लाइमन नेजाई। नेजायोन क्या होता है,
जो दो बोन्स थे, एक एक था वो नेजल पार्ट, नेजल प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन, और दूसरा था मैक्सिलरी का प्रोसेस, ठीक है, नेजल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, फ्रंटो नेजल स्यूचर, ठीक है, उसको बोलते हैं नेजायन। दूसरा राइनियन, राइनियन क्या था, बिटवीन द अपर बिटवीन द बोन, जो बोन अपर वन थर्ड बोन होता है, नीचे लोअर टू थर्ड कार्टिलेज होता है, उन दोनों के जंक्शन को बोलते हैं राइनियन, ठीक है, तो बिटवीन द बोन एंड द कार्टिलेज। अब ये लाइमन नेजाई होता है, वो होता है बिटवीन द अपर लेटरल एंड लोअर लेटरल कार्टिलेज, ठीक है, ये तीन जंक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट। नेजायन जो होता है फ्रंटो नेजल स्यूचर, ठीक है, दो बोन्स के बीच में होता है, और जो राइनियन होता है वो बोन और कार्टिलेज के बीच में होता है, और लाइमन नेजे लास्ट है वो होता है अपर लेटरल और लोअर लेटरल कार्टिलेज के बीच में, ठीक है। तो ये ऊपर वाला नेजायन दो बोन के बीच में, नीचे वाला लाइमन नेजे दो कार्टिलेज के बीच में, और बीच में जो राइनियन है वो बोन और कार्टिलेज के बीच में। तो इसमें देखते हैं, ये ठीक है बोनी पार्ट है, इसमें ये जो है वो फ्रंटल बोन की नेजल प्रोसेस है, ठीक है, और नीचे है जो नेजल प्रोसेस ऑफ द या फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, इन दोनों के बीच को बीच में बोलते हैं नेजायन, ठीक है। ये जो स्यूचर है इसको फ्रंटो नेजल स्यूचर या नेजायन। अब बोन और कार्टिलेज के बीच में ये जो जंक्शन है इसको बोलते हैं राइनियन, ठीक है, बिटवीन द बोन बोनी पार्ट एंड द कार्टिलेजिनस पार्ट, राइनियन। और जो लास्ट है ये अपर लेटरल कार्टिलेज और ये लोअर लेटरल कार्टिलेज, इन दोनों के बीच में जो है ये जंक्शन, इसको बोलते हैं लाइमन नेजा, ठीक है, ये पूरा लाइमन नेजा। अब पढ़ते हैं नेजल वाल्व एरिया के बारे में, ठीक है, नोज होता है उसकी नेजल वाल्व कौन बनाता है, तो ठीक है नेजल वाल्व का एरिया होता है वो होता है नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल वाल्व एरिया वो होता है नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। अब उसकी बाउंड्रीज देखते हैं, बाउंड्रीज कौन कौन सी होती है, तो ये नोज बनाते हैं, ठीक है, ये नोज है सब, बीच में ये सेप्टल कार्टिलेज, ठीक है, या नेजल सेप्टम। अब यहाँ पे अपर लेटरल कार्टिलेज, ठीक है, इतना, नीचे लोअर लेटरल कार्टिलेज, यहाँ पे हम बोलते हैं इस एरिया को बिटवीन द अपर लेटरल एंड लोअर लेटरल को लेमन नेजा, ठीक है, तो इस जगह पे प्रेजेंट होता है नेजल वाल्व, ठीक है। तो नेजल वाल्व की लेटरल वॉल कौन बनता है, लेटरल वॉल बनाता है लाइमन नेजाई, लाइमन नेजाई फॉर्म्स द लेटरल वॉल। लाइमन नेजाई की जगह को क्या बोल सकते हैं, लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर लेटरल कार्टिलेज, ठीक है, या फिर अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर लेटरल कार्टिलेज, ठीक है, ये बना लाइमन नेजाई, ये बनाता है लेटरल वॉल। मीडियल लेटरल वॉल में और कौन सा दूसरा स्ट्रक्चर आता है, तो जो लेटरल वॉल ऑफ नोज होती है, ठीक है, इंटरनल नोज, उसमें होता है इन्फीरियर टर्बिनेट, ठीक है, इन्फीरियर टर्बिनेट की जो एंटीरियर प्रोजेक्शन होता है वो बनाता है लेटरल वॉल ऑफ द नेजल वाल्व एरिया। ये हो गया लेटरल वॉल। अब मीडियल वॉल कौन बनाता है, ये नेजल सेप्टम, ठीक है, नेजल सेप्टम फॉर्म्स द मीडियल वॉल। तो ये हो गया नेजल वाल्व एरिया, ठीक है, तो ये है पूरा नेजल वॉल एरिया, ठीक है, ये अपर लेटरल और लोअर लेटरल कार्टिलेज, इन दोनों के बीच में जो लाइमन नेजाई वो बनाता है लेटरल वॉल ऑफ नेजल सेप्टम, ठीक है, ये लाइमन नेजाई लेटरल वॉल ऑफ द नेजल वॉल। यहाँ पे ये इन्फीरियर टर्बिनेट का जो एंटीरियर प्रोजेक्शन है वो आता है, ठीक है, तो ये लाइमन नेजाई और इन्फीरियर टर्बिनेट का एंटीरियर प्रोजेक्शन बनाता है लेटरल वॉल, और ये जो नेजल सेप्टम है वो बनाता है मीडियल वॉल ऑफ द नेजल वॉल्व एरिया।